हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हो? आज तो हमारे भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं। भैया, ऐसा है कि आजकल आपके बहुत फोन आ रहे हैं मेरे पास, और आप लोग ज़्यादातर पूछ रहे हो कि पंडित जी कि जी हमारे ऊपर तंत्र वगैरह हो गया उल्टा सीधा। तो भैया, एक बात बता दूँ आपको कि जी आपकी हरकतों की वजह से हो रहा है ऐसा जो आप कहते हो ना। मैं ले लेता हूँ अभी, है ना, मैं ही बना लूँगा। तो भैया, वो आप जो जैसे तंत्र मंत्र का ज़्यादातर कहते रहते हैं ना आप मित्रों, कि हमारे ऊपर ये हो गया, हमारे ऊपर वो हो गया, तो जिसमें आपकी कमियाँ हैं थोड़ी सी। आपकी कमियाँ ये हैं मित्रों कि आप जज नहीं करते हो किसी को भी, कि कौन आपको कैसा ज्ञान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। किसी का भी आपने कुछ भी उल्टा सीधा ले लेते हो, और जो मन में आया वो कर दिया आपने उल्टे सीधे प्रयोग। फिर हम जैसे लोगों को परेशान करते हो कि पंडित जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो भैया, एक बात और बताऊं, जितना आप उन चीज़ों को, जितनी चीज़ें आपकी बिगड़ती हैं, जितना पैसा आप उसमें खर्च करते हो, उसको संभालने में भी फिर पैसा लगता है फिर, क्योंकि गलत चीज़ है फिर हटाने के लिए भी। शांति, अगर कोई क्रिया कहीं बिगड़ जाती है तो फिर उसमें शांति कर्म लगता है। अगर कोई क्रिया बिगड़ जाती है तो उसमें उसी क्रिया के हिसाब से शांति कर्म किया जाता है, शांति कर्म से वो क्रिया ख़राब होती है। अब देखिए, आज 8-10 लोगों के इस तरह से फ़ोन आए हैं सुबह कि हमने वो फलानी फलानी क्रिया कर ली थी और ऐसा ऐसा हो गया, लेकर के मंत्र कर लिया। और भैया, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि मैंने सांप की हड्डियों की माला से उस जाप को कर लिया था। तो भैया, जिस चीज़ की जो क्रिया होती है उसी चीज़ को वो होती है, समझ रहे हो ना। शिव जी, अगर भगवान कृष्ण की अगर माला श्री कृष्ण के लिए जाप करोगे आप, और उल्टी सीधी चीज़ें लेकर कर दोगे, तो निश्चित सर्वनाश है। शंकर जी की दूसरी चीज़ों से कर दोगे, निश्चित सर्वनाश है। इस चीज़ से हम समझिए इन बात को। हनुमान जी का हाथी दांत से कर दो के सर्वनाश है। इन सब चीज़ों समझो, इसीलिए माला का मैंने निषेध क्यों किया है, मैं माला का मना करता हूँ। आप एक ध्यान से अपने आप ही मंत्र कीजिए, जाप करिए, और उसी से आपको महसूस हो जाएगा। माला का क्यों निषेध करता हूँ मैं आपको, इसीलिए निषेध करता हूँ मैं माला का आपको, ताकि आपको ना परेशानी ना हो कोई। क्योंकि आप लोग तो क्या है कि आप लोग तो वो हो जाओगे, बच जाओगे, लेकिन हम जैसों को फिर उसको संभालने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और फिर वो ऐसी चीज़ें फिर संभलती नहीं है। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखिए आप, क्योंकि फटे में पैर ही क्यों उड़ा रहे हो कि आप गिरो, उन चीज़ों को बच के रहो भाई। इतने फिर हम भी इतने फालतू नहीं है कि आपके फिर इन छोटे छोटे कामों को मतलब संभालते डोलें, कि आप बिगाड़ तो कहीं हो रहा हो और यहाँ पे फिर उम्मीद करो हम बना देंगे उसको, तो ऐसा नहीं होता मित्रों। आपने वहाँ 10 लाख रुपया किसी जगह फूंक दिया अपने किसी काम को बनाने के लिए, और फिर आप चाहते हो कि हम आ करके आपका आपका बार बार आपके फ़ोनों को उठाएँ और आपके कामों को करें, तो ऐसा असंभव है। इतने भाई इतना ना तो हम पे फालतू टाइम है, ना हम इतने मूर्ख हैं क्योंकि अपने काम को छोड़ें फिर आपके पीछे पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे लोगों का फिर फ़ोन ज़्यादातर बंद ही कर देता हूँ, वो इसीलिए कि आप लोग बिगाड़ के तो कहीं और आए हो, और बुद्धिमानी की काम कोई किए नहीं है। जब एक बार अगर आदमी का ख़राब हो जाए तो उसको अकल आ जानी चाहिए, फिर बार बार उसको पैसे दिए चले जा रहे हो सही करवाने की कोशिश में, और वो बर्बाद होते चले जा रहे हो। तो ये तो आपके मूर्खता है ना, इसको ज्ञानी ज्ञानी आदमी नहीं कहेंगे। ऐसे आदमी को संग में रहना ही मैं वो समझता हूँ पागलपन, क्योंकि ऐसे आदमी वो करते हैं फिर परेशान करते हैं फालतू का। हाँ, किसी के ऊपर परेशानी है उन सबको तो हम सही करते ही हैं, बाधा है, परेशानी है, मगर आप जान के आप उल्टी सीधी विद्याएं करोगे और फिर फंस जाओगे, तो वो तो हमारे भैया करने के बस में नहीं है, हम नहीं करते उसको। क्योंकि करो आप, भरो कोई और, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए, आप अच्छी विद्याएं कीजिए, सौम्य विद्याएं कीजिए, और अच्छी साधनाएं कीजिए जिसमें कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। ऐसी साधनाएं करेंगे तो भैया भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उल्टी सीधी साधना कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े तंत्र प्रयोग शक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं, सिद्ध बनने के लिए करते हैं, तांत्रिक बनने के लिए। भैया, गृहस्थ में बैठे हुए क्यों तांत्रिक बनने की सिद्ध बनने की कोशिश कर रहे हो? हम ही बहुत हैं, करने हम ही कर लेने दो थोड़ी बहुत। आप शांति बना के रखो, बाल बच्चे हैं घर में, और मतलब महाकाली की शमशान क्रिया चल रही है। अरे भैया, ऐसा ऐसा मत करो, पहले उसके किसी गुरु से, अच्छे से, किसी तांत्रिक से, किसी अगूरी से, किसी पंडित से उसकी गाइडेंस लो, उस हिसाब से करो। किताब में लिखा, इन यूट्यूब पे देखा और तुरंत कर डाला, हंसोगे ना चक्कर में।
या तो फंसना ही पड़ेगा ना चक्कर में। सबसे सबसे अच्छी और सबसे वो मतलब साधनाएं होती हैं गृहस्थ में, गृहस्थ में जीवन में रह करके सौम्य साधनाएं करिए, अच्छी साधनाएं करें, काली करें, बगलामुखी करें, महाकाल करें, लेकिन करें सौम्य तरीके से और घर में ही करें, ठीक है। उसका कोई दोष नहीं होगा और उसमें कोई टेंशन भी नहीं होगी, उसको आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वस्तु विशेष से साधन की जो प्रणाली होती है वही उग्र और सौम्य के होती है, वस्तु विशेष से ही होती है। वस्तु में बदल जाएगी तो उसी वही प्रणाली उग्र हो जाएगी, जिसमें आप तामसिक अगर आपको साधना करनी है तो मांस मदरा का उसमें अब आ जाएगा, पुट आ जाएगा तो वो सब तामसिक हो जाएगी, तो उसमें कोई वो नहीं है। विधान अलग अलग होता है बस थोड़ा सा। अब भाई बाल बच्चे वाले होते हैं ना, उनको तो साधना में समझ का ही काम करना चाहिए। अगर आप वास्तव में साधना के शौकीन हैं, आप बहुत समय से करते हैं, कुछ लोग मुझसे कैसे कहते हैं मालूम है, हम 20 साल से साधना कर रहे हैं, हमारे पूरा शरीर झंझना जाता है, हमारे हमको ऐसे ऐसे दिखता है, हमको वो आता है। मैंने कहा भैया मुझको तो कुछ ना आता है मैंने कहा मुझको तो कुछ ना दिखता है भैया, मैं तो सिंपल इंसान हूँ। पंडित जी आप तो बगलामुखी कर दो, आपको तो जाने क्या क्या। अरे मैंने कहा भैया मैं सिंपल इंसान हूँ, कोई वो नहीं हूँ, भगवान का भैया नहीं हूँ मैं, ना तो मैं किसी देवता को अपना वो कहता हूँ कि साहब उस देवता का मैं बहुत परम सेवक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेवक हैं आप, सब सेवक हैं अगर सही तरह से कर रहे हैं तो। इसीलिए अच्छी साधना सौम्य साधना करते रहिए और जीते रहिए, जागते रहिए, मजे करिए। जय माता रानी की।